आप में से कई लोग हैं जो नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो उनकी दो मेन प्रायोरिटी होती है। पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये कि उसमें भाई कुछ चले या ना चले, लेकिन उसमें जो पबजी है वो बहुत अच्छा चलना चाहिए, मतलब उसकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि फोन जो है वो बजट में होना चाहिए, बजट इन द सेंस कि 10 से 15 हज़ार या उससे 1-2 हज़ार रुपये और ज्यादा, इस बीच में कोई अच्छा परफॉर्मेंस वाला अगर आप फोन चाहते हैं और आप अगर पबजी खेलना चाहते हैं तो आप भाई बहुत सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 फोन के बारे में जिसको आप खरीद सकते हैं बजट में, और उसमें जो पबजी है या कोई भी अदर हाई एंड ग्राफिकल गेम्स हैं उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होगी, स्मूथ चलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। माय नेम इज नमन, यू आर वाचिंग tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं पबजी जो है बड़ा फेमस गेम है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा इंस्टॉल्ड ये हो चुका है रजिस्टर्ड फ़ोन में। तो पबजी का जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो बड़े अच्छे हैं, और मतलब हाई ग्राफिकल्स अपन कह सकते हैं, अराउंड 1.5 GB से ज़्यादा तक की रैम लेता है फ़ोन। तो इस ऐसे के लिए फ़ोन भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस ऐसी झेल पाए और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैंने एक लिस्ट बनाई है 5th नंबर से लेके 1st नंबर तक। तो हम शुरुआत करते हैं 5th नंबर के फोन से। तो 5th नंबर के जो हमारी लिस्ट में है वो है Honor का 10 Lite। ये फोन अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, और अच्छी बात तो ये है कि ये Honor की जो सेल चल रही है Flipkart और Amazon दोनों पे, Amazon की मैंने लिंक नीचे देके रखी है, वो ज्यादा ऑफर दे रहा है, 2-1 हज़ार रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा। और जो Honor का Honor 10 Lite फोन जो है वो काफी अच्छा है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो 6.21 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और इसमें जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर केरिन 710 का इसमें प्रोसेसर है, और इसमें जो जीपीयू है जो मेन जो चीज होती है गेम को चलाने के लिए वो इसमें आम माली G51 MP4 करके एक जीपीयू डाला हुआ है, बहुत अच्छा और लेटेस्ट जीपीयू है। तो ये फोन काफी अच्छा है परफॉर्मेंस वाइज देखूं अगर तो बहुत अच्छा फोन है। और इसकी जो प्राइस है वो अभी है ओरिजिनल प्राइस इसकी है 17,998, अभी 1-2 हज़ार रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा सेल पे, क्योंकि Honor की सेल चल रही है। तो ये फोन अगर आप जैसे आप Honor के फोन खरीदते रहते हैं या आपको पसंद है तो आप ये फोन ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा फोन है, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह बहुत टॉप नॉच है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। 4th नंबर पे जिस फोन को मैंने रखा है मेरी लिस्ट में वो है Realme 3, क्योंकि ये फोन अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाएगा, इसमें फुल HD प्लस का सपोर्ट नहीं है, HD प्लस का सपोर्ट है। और ये इसकी प्रोसेसर की बात करते तो इसमें आपको MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये 2 वेरियंट के साथ आता है, 3 GB RAM और 4 GB RAM के साथ। 3 GB RAM वाला जो है वो 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और 4 GB RAM वाला 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। और इसकी जो GPU की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको माली का 472 MP3 मिल जाएगा, और इसमें जो बैटरी है वो है 4330 mAh की। तो भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है, और मैंने इसको 4th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, 9,000 रुपये से आपको ये फ़ोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 9,000-12,000 तक में आपको मिलेगा, अलग अलग वेरिएंट है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है क्योंकि इसका प्राइस कम है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो बैटरी है वो Honor के 10 Lite से बहुत अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर के फ़ोन की। तो 3rd नंबर पे जो मैंने फ़ोन रखा है वो है Redmi Note 7। ये फ़ोन भी Realme 3 के आसपास ही रिलीज़ हुआ था। ये फ़ोन भी बहुत धांसू है क्योंकि इसमें जो है बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको इसको बैटरी बैकअप मिलेगा वो 4000 mAh तक का मिलेगा, और इसका जो डिस्प्ले की बात करते हैं वो 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन इसमें 660 का है, और जो Realme 3 से थोड़ा एडवांस है तो 660 का आपको इस स्नैपड्रैगन मिल जाएगा। और इसका जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये भी 2 वेरिएंट के साथ आता है, इसमें 2 वेरिएंट आएंगे, पहला वेरिएंट 3 GB का और दूसरा वेरिएंट 4 GB का, सेम Realme की तरह ही है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये 2 वेरिएंट के साथ ये फ़ोन मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये आपको 11,999 रुपये में मिलेगा, 10,000 में भी आपको ये फ़ोन मिलेगा, 2 अलग अलग वेरिएंट है। तो इसका प्रोसेसर जो है वो Realme 3 से अच्छा है, थोड़ा सा एडवांस है, और इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा Realme 3 से, क्योंकि इसमें MIUI का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको
एक गेमिंग बूस्ट करके जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो है वो MIUI देता है, वो आपको इसमें मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। तो इस फोन को भी आप खरीद सकते हैं अगर आपका बजट 10 से 12 हज़ार रुपये है। तो नेक्स्ट जो फोन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सैमसंग की तरफ से वो फोन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे पहले सबसे पहले एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना है ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फोन जो है वो है सैमसंग का A30। अभी कुछ दिन पहले ही ये रिलीज हुए, जितने भी फोन है ये अभी पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही रिलीज हुए हैं। जो सैमसंग का फोन है इसका थोड़ा प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग 3 फोन्स, बट इसमें जो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस का 6.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और खास बात ये है कि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। जो इसमें AMOLED में क्या होता है, जो ब्लैक होता है वो प्योर ब्लैक होता है, तो इसमें आपको सैमसंग का जो वैसे ही सैमसंग डिस्प्ले के मामले में बहुत बहुत फेमस है। तो इसमें अगर आप PUBG वगैरह खेलेंगे तो इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे आपको। और इसमें जो है प्रोसेसर वो एक्सिनो का 7904 प्रोसेसर डाला हुआ है, सैमसंग का प्रोसेसर है, ये भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 660 से एक स्टेप अच्छा प्रोसेसर है, और ये भी 2 वेरिएंट के साथ आ जाएगा, 4GB RAM और 6GB RAM के साथ, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और इसकी जो मेन खासियत है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। पहला ये कि इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, तो जो आपकी चार्जिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको 5000 mAh बैटरी का सपोर्ट मिलने वाला है। 5000 mAh बैटरी बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हैं और टाइप सी का सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आप में से बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है कि सैमसंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो दूसरी चाइनीज़ फ़ोन से अच्छी होती है, मैं मानता हूँ, तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। क्योंकि जो इसका प्राइस है वो है 16,990, मतलब 16,990 में आपको ये फ़ोन मिल रहा है, और इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है, तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए। 1-2 हज़ार रुपये और थोड़ा और खर्चा करके आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, बहुत अच्छा फ़ोन है मुझे। तो इसी फ़ोन को टक्कर देने के लिए Redmi Note 7 Pro को रिलीज़ किया है, या ये कह सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro को टक्कर देने के लिए A30 रिलीज़ किया है। दोनों जो फ़ोन हैं वो बहुत अच्छे फ़ोन हैं अपने अपने जगह पे। तो अगर Redmi Note 7 Pro की मैं अगर बात करूँ, ये कुछ मतलब 1-2 दिन बाद ये सेल पे जाने वाला है, तो इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं मैं, तो 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाएगा, 2.5D का कर्व्ड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 675 का स्नैपड्रैगन मिल रहा है आपको, और एड्रिनो की बात करते हैं, GPU इसमें आपको 512 एड्रिनो मिल रहा है, और 2 वेरिएंट के साथ ये आएगा, 4GB और 6GB रैम। और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो वो आपको 64GB और 128GB के साथ आपको मिल जाएगा। और इसका जो मेन जिस कारण से ये फ़ोन इतना फेमस हुआ है वो उसके कैमरे के कारण हुआ है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा है, और जो प्राइस है वो 13,999 रुपये है। तो भाई बात अब 1 और 2 जो दो फोन जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं वो आसपास बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हो सैमसंग ब्रांड का फ़ोन हो तो आप सैमसंग A30 के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा हो और उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग हो, और अगर आप Xiaomi के बड़े फ़ैन हैं, तो आप भाई Redmi Note 7 Pro खरीद सकते हो, क्योंकि दोनों फ़ोन जो है वो मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। Redmi Note 7 मेरे को फर्स्ट नंबर पे मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि उसका जो स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह है और मतलब लुक वाइज में, और उसके बाद जो उसका स्नैपड्रैगन 675 जो है वो बहुत अच्छा है, लाइक 675 14,000 में मिलना बहुत बड़ी बात है। तो भाई ये थे कुछ 5 ऐसे फ़ोन जिसमें PUBG जो है बहुत धांसू तरीके से चलने वाला है, और परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से देगा, और आपको ये फ़ोन जो है बड़े बजट में मिलने वाले हैं। अगर आप नंबर 1 जो फ़ोन है Redmi Note 7 Pro अगर लेना चाहते हैं, तो आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल पे वो आ चुका है, और आपको उसको चेकआउट करना पड़ेगा कि वो सेल डेट वगैरह कब है, 12 बजे की उनकी सेल की स्टार्ट होता है, तो आप उस फ़ोन को खरीद सकते हैं। सारे फ़ोन जो है वो अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने टॉप 2 फ़ोन रखे हैं वो सबसे बेस्ट है, तो मैं आपसे करूंगा हाई प्रायोरिटी पे कि आपको वो फोन खरीदने चाहिए। इन सारे फोन्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखी है मैंने, तो आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको जरूर प्रेस करें, और ऐसी वीडियो आप देखते रहें मेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।